पहले मुझे दो तीन आदमी उठाते थे सर्जरी से पहले। मैं प्रधान रियासत मक्खनपुर जिला हरिद्वार उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मेरा छोटा भाई है सदाकत, इनके फेफड़े में कमी आ गई। मैंने इन्हें देहरादून दिखाया, कई हॉस्पिटलों में दिखाया, सबने मना कर दिया। मैं देहरादून में गया तो देहरादून में एक हॉस्पिटल में मुझे कहा कि इसका हमारे पास में कोई इलाज नहीं है, इसका ट्रांसप्लांट ही इलाज अब जा। फिर हम एक डॉक्टर से मिले दूसरे से, उन्होंने भी यही बात कही। फिर हम न फिर वो डॉक्यूमेंट जो है तो उन्होंने हमारे से, वहाँ से एक डॉक्टर थे क्या नाम, हैदराबाद, हैदराबाद में हमारे कागज वो ट्रांसफ़र किए, उन्होंने व्हाट्सअप किए। उन्होंने हमारे से पैसे भी बहुत बताए, उन्होंने बताया हमें कि 21 दिन का इलाज जो है तो 48 लाख रुपए लेंगे। फिर हमने दिल्ली में दो तीन हॉस्पिटलों में ट्राई की, एक ना हम 1.5 करोड़ रुपये बताए, एक ना 90 लाख रुपये बताए, एक ना 2.5 करोड़ रुपये बताए। ट्रांसप्लांट के अलावा किसी ने हमारे से कोई बात नहीं करी। अगर हमने कहा सर हम ट्रांसप्लांट की स्थिति में नहीं है, हम तो गरीब आदमी हैं, हम दवाई से ही हो जा सही। जब कोई रास्ता ना मिला तो डॉक्टर साहब के बारे में किसी एक आड़ती ने हमारे से जिक्र किया कि मोहाली में एक मैक्स हॉस्पिटल के नाम से हो और उसमें डॉक्टर दीपक पुरी जी हैं और वो बहुत कामयाब सर्जन हैं। हमें जैसा ही सर का नाम पता लगा तो हम तभी यहाँ आ गए। और डॉक्टर साहब से मुलाकात हमारी बल्कि 2 दिन के बाद हुई। पहले मैडम से बात हुई, मैडम ने बहुत अच्छी से हमारी बात सुनी और हमारे कागज़ बड़ी तबीयत से देखे। फिर सर से फ़ोन पर बात की, डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप किए, सर ने बोल दिया कर लगा आप इन्हें मंडे का टाइम उसका ऑपरेशन का दे दो सर्जरी का और हम इनकी सर्जरी कर देंगे। और इन्हें कह दे कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, जितना हो लिया आप परेशान हो लिए, आगे से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रब के हुक्म से हम सिमार लगे। हम फिर आ गए यहाँ से, डॉक्टर साहब आ गए मंडे में, हमारा ऑपरेशन एक एक फेफड़े का किया डॉक्टर साहब ने, वो ठीक होगा। हम घर चले गए छुट्टी होकर, एक हफ्ता घर रहे। सर को फिर हम दोबारे से दवाई लेने के लिए आए, सर ने कहा कि दूसरे फेफड़े का भी करना ही हो पड़ेगा भाई, ज़्यादा इसकी स्थिति खराब है। फिर डॉक्टर साहब ने दूसरा भी ऑपरेशन कर दिया। आज पोजीशन मेरे भाई की ऐसी है कि ये 10-12 किलोमीटर 13 किलोमीटर पैदल चलता, जो दो आदमी उठा कर चेयर पर से बैठा करते थे, बिना एम्बुलेंस के हम 2 कदम नहीं चल सकते। अगर 2 किलोमीटर जाना पड़ा तो पहले एम्बुलेंस करना पड़ा था। इस कदर तनाव रहता, इस कदर घबराहट होता, थोड़ी जगह में बैठ भी नहीं सकता। यहाँ तक कि अगर बाथरूम के लिए भी गए तो दरवाज़ा गेट खोल कर बाहर से ही करा करते या लोटे में करा करते, ऐसी कंडीशन थी जी। रब किसी को ना दे, डॉक्टर दीपक पुरी जी ने जो हमारे हमारे लिए किया, हम उनके बड़े एहसान मर बड़े शुक्र गुजार हैं। इतने सज्जन आदमी, इतने सलाहियत के आदमी, इतना ठंडापन, हम चार चार लोग जाकर उनके ऑफिस में ऐसे घुस जाते हैं जैसे हमारा ही ऑफिस हो। कभी कभी डॉक्टर साहब ने हमें कोई वो नहीं किया, कभी कोई ना उसकी बात नहीं है। डॉक्टर साहब के बारे में मैं तो यही कहूँगा कि जितनी भी तारीफ कर लो उतनी कम हो, हमारे लिए तो भगवान, तो है देखो भगवान का रूप बनकर हमारी मदद की उन्होंने। मैं यही कहूँगा जी, आज मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, बोल भी सकता, थोड़ी आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत है अभी, 5-7 दिन में हो जाएगी। पहले तो बोल बिल्कुल नहीं निकलता, जब हम डॉक्टर साहब के पास आए तो बोल निकलने का कोई वो ही नहीं था, चल नहीं सकता, चेयर पर फिरते ठाओ या वैसे फिर लेकर छंगड़ियों लेकर चले थे दो दो जने पकड़ कर। और आज हमारा भाई बिल्कुल सही है, डॉक्टर साहब ने दोनों फेफड़ों की सर्जरी की, दोनों में जो बबल गुल्ले मोटे मोटे बनने थे वो निकाल दिए, और ये आज बिल्कुल भाई चलने में फिरने में बैठने में उठने में हर तरीके से सक्षम हो, बिल्कुल बढ़िया होगा। जब ये पेशेंट हमारे पास आया तो ये काफ़ी गंभीर स्थिति थी इसकी, और 10 लीटर ऑक्सीजन पे इसका सैचुरेशन 70% से ऊपर नहीं जाता था, और ये पिछले 2-3 महीने से बेड रिडन था, और इसकी उम्र केवल 36 साल की थी, और बहुत ही यंग पेशेंट था, और बाहर से कई हॉस्पिटल में लंग ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइस किया था, क्योंकि दोनों फेफड़ों में बहुत जायंट बुल्ला थे जो हवा से भरे हुए गुब्बारे थे, और उसकी वजह से पूरा लंग जो है कोलैप्स हो चुका था। इसके
एक्सरे में और सीटी स्कैन में देखने से ऐसे लगता था कि इसका लंग टोटली कोलैप्स हो चुका है, और कि जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन भी बहुत कम रहती थी और कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी हाई रहता था। लंग ट्रांसप्लांट के लिए इनको एडवाइस किया गया था, लेकिन की अफोर्डेबिलिटी इतनी थी नहीं कि, और ये इतना परेशान थे क्योंकि इतने जायंट बुल्ले थे और लंग टोटली कंप्रेस लग रहा था। तो मुझे लगा कि अगर हम इसकी दोनों तरफ अगर जायंट बुल्ला जो है उनकी बुलेक्टमी करें वीडियो असिस्टेंट, तो उम्मीद थी कि इसका लंग जो है एक्सपैंड हो जाता। और हमने इनको एडमिट करके और एक तरफ की बुलेक्टमी करी जब, और जो अंडरलाइंग कंप्रेस लंग था वो उसके बाद वो तकरीबन लेफ्ट साइड का जो लंग था वो पूरी तरह से फूल गया। और हमने उसके बाद इनका सैचुरेशन जो है वो एकदम इम्प्रूव हुआ, और ऑपरेशन के बाद सेकेंड डे पे ये बाहर कॉरिडोर में बिना ऑक्सीजन के सैर करने लग गया और स्टेयर्स भी क्लाइंब कर गया एक फ्लोर। तो उसके बाद हमने इनको डिस्चार्ज कर दिया और इनको फिर हमने 2 वीक्स के बाद बुलाया, और फिर सेकंड स्टेज में हमने इसके दूसरी तरफ का जो राइट साइड का लंग था कंप्रेस्ड, जितने भी जॉइंट बुल्ले थे उनकी बुलेक्टमी की वीडियो असिस्टेंट सिंगल पोर्ट। उसके बाद जो है इसके दोनों तरफ लंग्स जो है एक्सपैंड हो गए, और बहुत हल्का सा एयर लीक था इनका जिसके लिए हमने इनको इंटरकॉस्टल ड्रेन डाल के रखा। और पेशेंट अब फॉलोअप में हमारे पास आया तो उसके दोनों तरफ लंग एक्सपैंडेड हैं, और पेशेंट की रूम एयर पे सैचुरेशन 99% के करीब है। और ये खुद ही बता रहा था कि ये 13 किलोमीटर की वॉक करता है, और अभी बेरली फर्स्ट सर्जरी के बाद ये 1 मंथ हुआ है, और जिसमें कि ये अपनी पूरी नॉर्मल एक्टिविटी पे वापस आ गया। पहले इसकी आवाज़ में भी बहुत फ़र्क था और इसको इवन कुछ शब्द बोलना भी मुश्किल होता था जब ये फर्स्ट टाइम आया था हमारे पास, लेकिन उसके बाद इसकी जो है स्पीच में भी बहुत फ़र्क पड़ा और इसकी एक्टिविटीज़ में भी बहुत फ़र्क पड़ा, और अब ये अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। मैं बहुत परेशान फिरा हूँ, कहीं भी कोई इलाज नहीं मिला, सब ट्रांसफर के लिए बोलते थे। फिर मुझे पता लगा कि मोहाली में है मैक्स हॉस्पिटल, और वहाँ पे डॉक्टर है दीपक पुरी जी। फिर हम वहाँ मिले जा, उन्होंने बोला कि हम ऑपरेशन कर देंगे, सर्जरी कर देंगे। हमें तसल्ली हो गई, फिर मेरा एक ऑपरेशन कर दिया, 15 दिन के बाद फिर दूसरा कर दिया। अब मेरे ऑपरेशन को 1.5-2 महीने हो गए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बोल भी सकता हूँ, चल भी सकता हूँ, चढ़ भी सकता हूँ, चाहे जितनी सीढ़ी चढ़ा लूँ, 1 से 1000 तक की सीढ़ी चढ़ सकता हूँ मैं। और जी चलने में 112-115 किलोमीटर चल सकता हूँ, बाकी और हिम्मत बढ़ती जा रही, कुछ दिनों में और सही हो जाएगा।
इसमें डॉक्टर का बहुत सहयोग रहा है, बहुत अच्छे डॉक्टर मिले हैं, ऊपर वाले का मतलब।